यूपी बिहार में अपना झंडा गाड़कर सोशल मीडिया के द्वारा एवं सुबह रातोरात और टीवी समाचार की टीम इस वक्त गोरखपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी टीम इनसे मिलना चाहा और बार बार, एक बार हमने वीडियो बनाया, उस वीडियो में वॉइस नहीं आया, इसीलिए हमने फिर इनको परेशान किया और कहा कि फिर एक बार इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि टीवी समाचार के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रागिनी जी आपका। धन्यवाद है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। बेचारे वीडियो बनाए थे, आवाज नहीं आया, फिर से देखना पड़ रहा है, तो आप लोग समझिएगा मजबूरी। चैनल को एकदम ब्लास्ट कर दीजिए, एकदम लाइक से, शेयर से और सब्सक्राइबर से। रागिनी जी, हालांकि वीडियो में रिकॉर्डिंग तो नहीं आया, रिकॉर्डिंग आया, वॉइस नहीं आया, लेकिन हमारे दर्शक हर बार की तरह इस बार भी सुनना चाहते हैं, जैसे तमाम चैनल पे आप दे चुकी हैं, वो गाना सुनना चाहती हैं जिससे आप रातोरात स्टार हो गई, आज भी स्टार हैं और शायद दिन प्रतिदिन आप प्रगति करती जा रही हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं, टीवी समाचार की टीम की शुभकामनाएं हैं, पूरे देश की शुभकामनाएं हैं, लेकिन पूरा देश एक बार फिर सुनना चाहेगा जिस चीज़ को लेकर आप पूरे देश में स्टार हो गई। मछरी के जैसे तड़पे जवानी, रउआ से पिया हम सच कहतनी, छोड़िया वो जल्दी से टाटा ये राजा, चटता जवानी तेल चाट ये राजा, चटता जवानी तेल चाट ये राजा। रागिनी जी, कब से गाना बजाती हैं, गाती हैं? हालांकि आप, आपका वीडियो मैं 2-3 सालों से देखता हूँ, लेकिन शुरुआती कहाँ से हुई आपकी? शुरुआती जैसे पहले से हम लोग गा रहे हैं और 8 साल से गा रही हूँ इस लाइन में, 1-2 साल हो रहा है मुझे, तो पहले लोग मिले उपयोग करके, हम लोग के बारे में नहीं सोचे, दिवाकर सर जी मिले, अनुराग एंटरटेनमेंट के मालिक, तो मेले में गए थे, तो हम लोग ऐसे गाना वाना गाते थे, तो भेटाए, वीडियो वीडियो बनाए, बोले कि आप लोग अपना खुद का करो, खुद का करोगी तो आप कमा कर खा सकती हो, आपको डर डर भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं पर अपना खुद का तुम कर सकती हो, तो हम लोग को अच्छा लगा, तो मैं तैयार हुई, मेरी टीम के भी 4-5 लड़की है मेरी उम्र की, सब लोग तैयार हुए, सब लोग का एक एक चैनल मेरे सर जी ने खोले, दिवाकर सर जी ने, और अनुराग पे मैं, मुझे जैसे पब्लिक का प्यार मिलते गई, मैं वैसे अपना काम करते गई करते गई, उन लोग को उतना नहीं मिला तो लोग ठप कर दी। रागिनी जी का गाना हम बहुत सुने हैं, लेकिन गाने से ज़्यादा हम मुस्कान इनकी देखते हैं, क्योंकि हंसती रहती हैं, ये मुस्कुराना सबकी बस की बात नहीं है, गम भी हो फिर भी मुस्कुरा कर गाती हैं, मुस्कुरा कर इंटरव्यू देती हैं, ये सबसे यूनिक आप में लगता है। अब एक गाना आपका लॉन्च होने वाला है, बहुत अच्छा गाना है, हम सुने भी हैं, उस गाने को थोड़ा हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं।